किचन में। हाँ जी, ये आपका फायर एक्सटिंग्विशर है। फायर एक्सटिंग्विशर के पार्ट्स हैं, देख लीजिए। सबसे ऊपर क्या है? डिस्चार्ज लेवल। तो ये क्या है? डिस्चार्ज लेवल। दूसरा क्या है? डिस्चार्ज लॉकिंग पिन। लॉकिंग पिन कौन सा है? ये, ठीक है। ये लॉकिंग पिन खोल दो, यहाँ पे सील लगा हुआ है, इसको सील को तोड़ो। देखो छोटी सील है ना, ये सील है, इसको तोड़ो। इसको दो तीन बार तोड़ के बाहर निकाल दो, साथ में लेके निकल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? डिस्चार्ज होज। ये क्या है? ये क्या है? होज है, होज। डिस्चार्ज को लिखा भी हो, प्रेशर होज, डिस्चार्ज होज लिखा हुआ है, इस पे भी लिखा हुआ है, प्रेशर होज, PSI 210 bar। उसके बाद में डिस्चार्ज नोजल, ये इसका नोजल। आप किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को उसकी नोजल देख के पहचान सकते हो। किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को उसकी नोजल देख के पहचान सकते हो। इसकी नोजल कैसी है? बहुत बारीक है, मतलब प्रेशर ज्यादा आएगा इसके अंदर। इसकी नोजल कैसी है? बहुत बड़ी है, मतलब प्रेशर वो आएगा। अंदर प्रेशर ज्यादा है लेकिन बाहर प्रेशर कम होगा। क्यों? इसके अंदर अंदर प्रेशर कम है लेकिन बाहर से सिकुड़ कर, जैसे आप पानी का पाइप ले रहे हो, आप गार्डनिंग कर रहे हो, पानी पौधों में डाल रहे हो, तो आपने पानी का पाइप ऐसे पकड़ के रखा हुआ, नॉर्मली ऐसे पकड़ के रखा हुआ, लेकिन वही पानी का पाइप आपने दबा दिया आगे से, तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, कम होगा? प्रेशर बढ़ेगा, जेट बढ़ जाएगा पानी का। क्या हुआ? जेट बढ़ जाएगा पानी का, जो प्रेशर है दूर तक जाएगा आपका, और फायर फाइटिंग में काम करेगा। उसके बाद डिस्चार्ज ऑफिस, ऑफिस हाथ तक आपको जाएगा, कितना सराउंडिंग है। ऊपर क्या था? प्रेशर गेज। प्रेशर गेज आपको क्या बताएगा? इसके अंदर कितना प्रेशर। प्रेशर गेज क्या बताएगा? इसके अंदर देखो, इसका जो प्रेशर गेज है उसके अंदर आपको देखो, इधर रेड है, उधर रेड है, और बीच में ग्रीन है। उसमें भी देखो, यहाँ पे रेड है, वहां पे रेड है, और यहाँ पे ग्रीन है। क्यों है? ज्यादा हो जाएगा तो फटने का चांस रहेगा ना उसके, एक्सेस प्रेशर पे। लो प्रेशर, हाई प्रेशर, और रेड लेवल से ऑरेंज दिखा रहा है। अगर इस तरफ एक बार से तो खाली है, बीच में है तो भरा हुआ है, ठीक ठाक भरा हुआ है। अगर इधर ज्यादा चला जाएगा रिफिलिंग के टाइम में तो फट जाएगा सिलेंडर। सिलेंडर फट के आपको पेट में घुस सकता है इसका छोटा मोटा पार्ट, तो इसको जो रिफिलिंग होती है वो भी सब लोग नहीं कर पाते हैं, प्रोफेशनल ही करते हैं, कॉम्पिटेंट जो आदमी होता है वही करता है। प्रेशर गेज जो है वो आपको ऐसे में नहीं मिलेगा, उसमें लिखा होगा नॉट फाउंड इन CO2। मतलब इसमें CO2 है, इसमें CO2 है, उसमें CO2 है, उसमें उसमें मोनोअमोनियम फास्फेट है और ड्राई नाइट्रोजन गैस है। लिख लो, ड्राई नाइट्रोजन गैस, ये जो है ये जो है ड्राई नाइट्रोजन रहता है। देखो, अगर हम लोग एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेंगे, हम इसको ऑक्सीजन भी डाल सकते हैं ना, इसमें ऑक्सीजन डाल सकते हैं ना, इसमें इसमें ऑक्सीजन से भर सकते हैं ना इसको। ऑक्सीजन से भरेंगे तो फायर तो बहाएगा वो तो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ भैया। ऑक्सीजन से अगर करेंगे तो क्या करेगा? फायर बढ़ाएगा। ये क्या है? O2 क्या है? ऑक्सीजन। और ये क्या है? हाइड्रोजन। वो तो H2O होता है ना, H2O पानी होता है। अभी ये क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड, परऑक्साइड हो गया, H2O2 हो गया। और अब क्या है? अब पानी हो गया। तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, क्या बन गया? पानी। तो ऑक्सीजन के अंदर क्या रहता है? ऑक्सीजन जो है O2 है, O2। तो ऑक्सीजन के अंदर पानी का भी कंटेंट रहता है। कैसे रहता है बताओ? ऑक्सीजन के अंदर पानी कहाँ है? एसी है आपके सामने, पानी गिरता है, पानी गिरता है, कहाँ से गिरता है? हम तो पानी नहीं डालते इसके अंदर, कहाँ से गिरता है? जब कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, कंडेंस होकर के इवेपोरेटर के थ्रू, जब गैस जिसको एक्सपेंड करता है, जो अंदर गैस होती है, शीशे पे, शीशा भाप करिए,
तो आ जाएगा। तो क्या है ऑक्सीजन तो है वो, ऑक्सीजन पानी का सागर है, पानी इसीलिए ऑक्सीजन के अंदर पानी का कंटेंट रहता है। क्या रहता है मॉइस्चराइजर है। अगर आपको ज्यादा प्यास लगी हो पानी नहीं मिल रहा है तो क्या करोगे करो इससे क्या होगा एक तरीका होता है जिससे पुराने जो लोग थे ना जो तपस्वी होते थे जंगलों में रहते थे पानी नहीं था खाना नहीं था तो ऐसे करके अपना खाने के लिए पूर्ति किया जाते थे समझे। पानी नहीं भी है ना तो भी आप ऑक्सीजन को इतना ले लो कि पानी की मात्रा वैसे ही पूरा कर दो जैसे आप पीछे के मुंह में पानी आएगा नहीं आएगा। बोलते थे बाबा जी इतने दिनों से बिना खाए बिना पिए जो है बिना खाए बिना पिए कैसे रहते थे। हर एक चीज के लिए योग अभ्यास था। मजा आया दोबारा लेके खाओ ऑक्सीजन ये क्या है आप ऑक्सीजन के साथ पानी अब एसी के अंदर पानी डाल थोड़े दिया हमने लेकिन निकल रहा है पानी तो क्यों क्योंकि बाहर जो ऑक्सीजन के अंदर नमी है उस नमी को एक जगह पे स्टिक करके अपने को ठंडा दे रहा है और बाहर गर्मी फेंक दे रहा है पानी निकल रहा है। ऐसे आरओ भी आ रहे हैं आजकल ऐसे आरओ भी आ रहे हैं जो खाली लगा दो कुछ डालने की जरूरत नहीं है अपने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेके और उसका पानी बना के आपको देगा निकालते हैं। ऐसे आरओ भी आ गए हैं बहुत सारे क्यों रहे ठीक है। तो ये चीजें हमारे ऑक्सीजन के अंदर है इसके अंदर अगर हम डायरेक्ट ऑक्सीजन डाल देंगे तो पानी की मात्रा भी साथ में जाएगी जाएगी कि नहीं जाएगी जाएगी। तो पानी की मात्रा जाएगी तो अंदर क्या है पाउडर पाउडर के अंदर जब पानी की मात्रा मिलेगी तो क्या होगा बोलो बोलो लिक्विड आ जाएगा मॉइस्चर बन जाएगा तो ये पानी पाइप जो बाहर निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा क्यों क्योंकि वो चुप हो जाएगा पानी की गांठें बन जाएंगी पानी इस जो पाउडर जो है इसके अंदर उसकी गांठें बन जाएंगी और वो क्या करेगा जब फायर फाइटिंग करने का टाइम आएगा तो ब्लॉक कर देगा इसको। इसीलिए इसके अंदर क्या डालते हैं ड्राई नाइट्रोजन क्या डालते हैं पाउडर कौन सा है मोनो अमोनियम फास्फेट क्या है मोनो अमोनियम फास्फेट और अंदर कौन सा गैस है इसके अंदर जो दुकान है उसके अंदर एक कंप्रेसर रहता है वो समझेगा उस कंप्रेसर को महीने के महीने खाली करता है तो उसके अंदर से पानी निकलता है क्यों निकलता है इसीलिए इसके अंदर कौन सी गैस डालते हैं ड्राई ड्राई नाइट्रोजन ताकि पानी से उसका कॉन्टेक्ट ना रहे पानी से उसका कॉन्टेक्ट ना रहे और इसमें भी सेम है NR भी लगा हुआ है क्या है NR की फुल फॉर्म क्या थी मतलब अंदर तो नहीं जाने देगा बाहर निकाल सकते जब आप दबाओगे तो बाहर निकलेगा अंदर नहीं लेगा जब आपने फिलिंग करना था तो हाई प्रेशर पर डाल के फिलिंग कर दिया और नहीं लेगा अंदर नेचुरल कंडीशन में अंदर नहीं लेगा तो आपका प्रेशर मेंटेन रहेगा। तो आप यहाँ पे इसके कैरिंग हैंडल जो कैरिंग हैंडल ये वाला है जहाँ से आप इसको पकड़ रहे क्या है ये कैरिंग हैंडल जहाँ से आप इसको पकड़ के उठाते हो क्या है कैरिंग हैंडल और ऊपर क्या है प्रेशर गेज और ये क्या है किसने भरा था कौन सी कंपनी थी पूरा का पूरा डिटेल है कौन सी डेट में इसको भरा गया पूरी डिटेल मिलेगी और उसका जो आउटर जो शेल है इसका जो आउटर शेल है उसको बोलते बाहरी बॉडी इसका शरीर बैठने तो अंदर पाउडर है और ड्राई नाइट्रोजन गैस इस पे आ जाओ इसमें क्या क्या है CO2 है ऊपर से भारी शेल है हमने देखा था 5-6 अणु का पूरी पूरी परत है अंदर कौन सी गैस है CO2 तो इसमें लिखा भी हुआ है हम देखेंगे पढ़ के तो यहाँ पे उदा हुआ है इसके ऊपर वैसे गोद रखा है कौन सा गैस
फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप लिखा होगा ना, आपने देखा क्या लिखा होगा? लेकिन हम मेंटेन नहीं कर पाते तो हमको चीज दिखाई नहीं हमारे यहाँ बहुत लोग वो खाली का पेट दिखना है पूरा वेट मिल जाएगा। हर एक चीज लिखी वाली है, अगर ध्यान से देखोगे, सफाई करोगे, क्लीनिंग करोगे तो पता लगेगा। इसको क्लीनिंग करने का क्या तरीका है? ब्रश ले लो, हल्का सा पेट्रोल लेके साफ कर लो, ये जो गुदा हुआ है वो बाहर हो जाएगा, एक्सपोज को दिखाई दे, कोई भी आदमी आके देख के पढ़ सकता है। ठीक ठीक रेडियम टेप भी लगानी जरूरी है ताकि अंधेरा में भी बारिश जब आपका जो केस होता है तो आपके केस में क्या होता है, लाइट चली जाती है तो ये दूर से चमकते हैं किसी रोशनी से, इसलिए उसको रेडियम से लगाते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप्स, क्लास ए फायर, ये जो एक्सटिंग्विशर आपके सामने रखा हुआ है सिर्फ कौन सी क्लास पर चलेगा? ए क्लास। ए बी सी, बी और सी ये पुराना उठाया हुआ है। बी लिक्विड, लिक्विड लिक्विड कौन सा लिक्विड? जो जलने वाला है। और सी में इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन उठा लिया है, सी में कौन से आती है? अपनी गैस आती है, गैस के लिए भी ए और बी और सी तीनों के लिए काम करेगा। इसके लिए इस पे लिखा भी होता है कि ए बी सी सब में टेप लगा रखा है। हां देखो देखो, हां ये पूरी डिटेल है यहां पर, सिंपल बनी हुई है ए बी और सी दिखाई दे रहा है, मिट गया है उसके अंदर, नया स्टिकर होगा तो दिख जाएगा। बात करते हैं, लिखा हुआ है ए बी सी तीनों क्लास के लिए इक्विवेलेंट है, तीनों क्लास ऑफ फायर में मीटिंग कर सकता है। तो जो प्रेशराइज वाटर वाला है ये जो सामने देख रहे हो, अगर ये पानी का रहेगा तो खाली ए क्लास की फायर फाइटिंग करेगा, मिट्टी तेल और इलेक्ट्रिकल के जो कंडीशन है जो फायर है उनको फायर फाइटिंग नहीं कर पाएगा। 2.5 गैलन वाटर आता है, मतलब जो ये वाले आते हैं पानी वाले वो 9 लीटर के आसपास उनमें पानी आता है, तो उसको दिखाया हुआ है। प्रेशर गेज होता है जो कि चेक करने के लिए बड़ा आसान रहता है कि आपको प्रेशर रहेगा तो प्रेशर किस चीज़ का है? ड्राई नाइट्रोजन गैस का, तो प्रेशर इसके अंदर कितना है वो पता लग जाएगा, तो पता लगेगा कि हमें प्रेशर इतना मेंटेन होना चाहिए। और दिखता भी रहेगा कि सेफ मोड पे है कि अनसेफ मोड पे, खाली है तो चेंज कर दो, रिफिल कर दो, और ज़्यादा है तो फिर उसको हटा ही देते हैं, देते ही नहीं हमको। 30 से 40 फीट तक का मैक्सिमम रेंज कवर कर पाएगा, 30 से 40 फीट बोले तो 10 मीटर के आसपास, हालांकि इतना कवर नहीं करते, 5 से 6 मीटर मुश्किल करता है, यहाँ पे अगर खड़े होकर मारेंगे तो वहाँ तक जाएगा मार्केट, तो इस तरह दूर फेंकेगा। कैन बी स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड एज नेसेसरी, जब आपको चाहिए तो दबा लोगे तो चल जाएगा, छोड़ दोगे तो बंद हो जाएगा। लेकिन क्या रहता है, एक बार आपने अगर इसको ऑन कर दिया तो ये खाली करना ही पड़ेगा आपको, अगर आप छोड़ भी दोगे तो धीरे धीरे करके प्रेशर खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या करोगे, अगर खाली नहीं करोगे, पूरा खाली नहीं करोगे तो अंदर पाउडर बच जाएगा, खाली गैस गैस डालनी पड़ेगा, दोनों काम पड़ेगा। लेकिन जितना इसमें पाउडर आता है उतना डालना ही डालना पड़ेगा इसको। एक्सटिंग्विश्ड बाय कूलिंग, पानी वाला जो का है किस तरीके से काम करेगा? कूलिंग के तरीके से आप बुझा पाएगा, क्योंकि पानी है और पानी के अंदर जब आप जहाँ पे ए क्लास की जो फायर है उसकी डेप्थ में आपको मारना है, उसकी गहराई में आपको मारना है, तभी आप आपको बुझा दो। फायर एक्सटिंग्विशर ये दूसरा टाइप है, सी टाइप है, ये बी और सी दोनों क्लास के लिए काम करेगा। इसमें देखो डिस्चार्ज जोन बड़ा हो गया ना, ये वाला है डिस्चार्ज जोन बड़ा हो गया, इसमें देखो गेज भी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है, क्लास बी है और सी दोनों क्लास पे आपको काम करेगा। 2.5 बार से लेके 100 बार तक का इसमें प्रेशर रहता है, 8 से लेके 30 सेकंड तक काम करेगा, मतलब आधे मिनट तक काम कर पाएगा। तो आप जो फायर की जो इनिशियल स्टेज देख रहे थे ना उसमें काम कर पाएगा खाली, इनिशियल स्टेज मतलब जब माचिस की तेजी लगाई थी और धीरे धीरे बढ़ रही थी जब तक इतनी थी कि आप अंदर जा सकते हो कंट्रोल करने के लिए कमरे में, वहाँ तक आप कंट्रोल इससे कर सकते हो। तो बी और सी क्लास पर काम करेगा, मतलब बी और सी इलेक्ट्रिकल और बी क्लास पे काम कर सकता है। नो प्रेशर गेज क्योंकि कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए प्रेशर गेज नहीं देते, प्रेशर गेज भी पड़ जाएगा, यूज में नहीं आएगा।
तीन से लेके आठ फीट तक का मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकता है, मैक्सिमम रेंज है इसकी। एक्सटिंग्विश करेगा स्मूदरिंग मेथड से। स्मूदरिंग मेथड क्या था? कटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जबरदस्ती हटा देना और उसको इफेक्टिव है। डिक्रीज करेगा टेम्परेचर को और बर्निंग को, जो कि मटेरियल इंक्रीज होगा, मतलब आग बुझाएगा इफेक्टिव तरीके से। क्या करेगा, इसके अंदर भी जो CO2 रहती है वो भी ठंडी रहती है। CO2 को ड्राई आइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो आइसक्रीम वाले देखे, आइसक्रीम वाले छोटी सी सिली लेके आते हैं, छोटी सी इतनी सी रहती है। जैसे अपना पुराना जो फ्रिज में आइस क्यूब वाला नहीं आता था छोटा, वो राउंड कलर का, इतना सा आती है, इतनी सी बड़ी महंगी आती है, उसको तोड़ के हैमर से डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा चिल होती है वो, एक बार डालते तो कई घंटे तक कूल रहता है। ड्राई आइस जो होती है वो भी सिकंजी वाले के पास में आइसक्रीम वाले भी मिलेगी। सिकंजी वाले को तो नॉर्मल आइस ही मिलेगी। और इलेक्ट्रिकल वाला भी आप कर सकते हो। जनरली इसको बोलते हैं मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर। क्या बोलते हैं? फायर लैंग्वेज में इसको बोलते हैं AK-47। क्या बोलते हैं? AK-47 मतलब सब पे काम करेगी। AK-47 मतलब है ना, काफी सारी गोलियां आती है, एक बार कभी कर दो तो कई सारों को उड़ा देगी एक साथ। नहीं मारेगी तो कम से कम जख्मी तो कर ही देगी सर। तो ऐसा है, मतलब आग नहीं बुझाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन फर्स्ट एड तो आग ही करेगा ही करेगा। फायर एक्सटिंग्विशरों को ऐसे ही बोलते हैं, फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर।